नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक पे। मैं रवि तिवारी। यूपी टेट 2019 और खंड शिक्षा अधिकारी 2019-20 के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। बीते दिनों में आपसे चर्चा नहीं कर पाया क्योंकि नेट को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था हमारे प्रयागराज क्षेत्र में और पूरे प्रदेश के कई जिलों में, जहां पे संवेदनशीलता थी, तनावपूर्ण माहौल था, वहां पर नेट बंद था। इसी क्रम में हमारी भी नेट सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई थी और हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए। आप लोगों को मालूम है कि 2019 की यूपी टेट जो एक बड़ी परीक्षा थी उसको स्थगित कर दिया गया क्योंकि पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू थी और बहुत तनावपूर्ण माहौल था। धीरे धीरे स्थितियां आपको ठीक हो रही है। तो यूपी टेट 2019 की अभी अगली तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आप सभी लोगों को हिम्मत नहीं हारना है, ना ही आप सभी लोगों को निराश होना है, ना ही उदास होना है, एकाग्रता को बनाए रखना है। जब तक नेट चल रहा था, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अंतिम समय तक पूरे तन्मयता के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ था। सभी शिक्षक पूरी मेहनत कर रहे थे, चाहे वो मैराथन क्लासेस के माध्यम से हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो, चाहे वो डाउट्स के माध्यम से हो, और चाहे वो लाइव क्लास जो आपके बैच में जा रही थी उसके माध्यम से हो। हम अंतिम दिन तक दसों दसों घंटे आपके साथ बने हुए थे, लेकिन परिस्थितियां बदली, नेट का संपर्क कटा, परीक्षा स्थगित हुई और उसके बाद में पहली बार आपसे इस समय सीधे सीधे रूबरू हो रहा हूं। तो हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है, हम उसी एकाग्रता के साथ, उसी तन्मयता के साथ आपके साथ वैसे ही बने रहेंगे। अलग अलग सेट्स के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से, मैराथन क्लासेस के माध्यम से, आपको भी जो पिछली क्लासेस जो सेट गए हैं उनको लगातार देखना है। अगर आप जल्दबाजी में नहीं देख पाए हो, अच्छे से रिविजन करना है। जितना भी हमें आगे मौका मिलता है हम और बेहतर करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा आयोजित होगी उसके अंतिम समय तक हम पुनः आपके साथ बने रहेंगे। हमारा आपका ये रिश्ता बहुत विश्वसनीय और अटूट है और ये जो है किसी भी कीमत पर अलग नहीं हो सकता। धैर्य रखें, अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे करते रहें क्योंकि आप अपना शत प्रतिशत दे चुके थे और परीक्षा के काफी नजदीक थे, लेकिन लास्ट समय में एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय लेना पड़ा सरकारों की, परीक्षा नहीं हो पाई। कई बार सरकार और कमीशन की भी बहुत मजबूरियां होती है और इन परिस्थितियों में हमें सरकार और कमीशन का साथ देना चाहिए। अगली परीक्षा की तारीख की घोषणा भी नहीं हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी 2019-20 एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है जो आपका दरवाजा खटखटा रहा है। इसके लिए संस्थान की रणनीति पूरी हो गई है। किसी भी चीज के बाद एक ब्रेक बहुत जरूरी होता है, तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि 2-3-4 दिन का एक ब्रेक लें, अपने यूपी टेट के पाठ्यक्रम पर एकाग्रता बनाए रखें। लास्ट समय में चीजें आपसे दूर ना हो, अलग ना हो, आपकी प्रैक्टिस बने रहे, मेथड्स बने रहे। जैसे ही नेट सुचारू रूप से चलना शुरू होता है हम क्लासेस के माध्यम से पुनः आपसे जुड़ जाएंगे। लगभग 2020 में हम पुनः आपसे जुड़ेंगे क्योंकि 2-3 दिन अब जो है बचा हुआ है। तो मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि खंड शिक्षा अधिकारी 2019-20 के लिए हमारे संस्थान की योजना पूरी तरह कंप्लीट है। हमने उस योजना पर पूरा विचार कर लिया है। प्री और मेंस के लिए अलग अलग अध्यापकों की एक बेहतरीन टीम के साथ उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ अध्यापक जो आप देखेंगे मुख्य परीक्षा के लिए, तो आप कहेंगे वाह सर मजा आ गया। ऐसे नामी नामों के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित हो रहे हैं और 4-5 जनवरी से हम इस प्रक्रिया को खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभ कर रहे हैं। तो आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ अलग अध्यापक और मुख्य परीक्षा के लिए कुछ अलग अध्यापक और एक कंबाइंड बैच के साथ, कंबाइंड प्री कम बैच के साथ खंड शिक्षा अधिकारी के हम 4 जनवरी से आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप भी थोड़ा सा ब्रेक लें और नई ऊर्जा को अपने अंदर संचित करें और संस्थान भी थोड़ा सा ब्रेक के मूड में है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि लगातार गतिविधियां कुछ सही नहीं है। फिर नेट बंद हो रहा है, फिर नेट चालू हो रहा है। ये वीडियो मैं कुछ दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं, 2-3 दिन बाद आपके पास जाएगा। उस समय की परिस्थिति क्या होगी मुझे नहीं पता क्योंकि आज जिस तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 23 तारीख का दिन है ना, 23 तारीख को मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो हम पूरी योजना के साथ आपके साथ जो है उपस्थित रहेंगे। मैं आपको डेट्स बना दूंगा, एक बार आप डेट्स लॉक कर लीजिए यहां पर। हाँ, प्री कम मेंस के एक संपूर्ण बैच के साथ कंबाइंड एक जो है नॉमिनल जो है उसमें हम आपके साथ उपस्थित होंगे। 4 जनवरी और 5 जनवरी से इस बैच के संबंधित प्रमोशन और क्लासेज आपकी शुरू हो जाएंगी। आपको इसकी जानकारी हम लोग देना शुरू कर देंगे और जैसे भी गतिविधियां होंगी हम आपको बताएंगे।
कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस एक अच्छी से ऊर्जा का संचार अपने अंदर करने की जरूरत है आप सभी लोगों को। और एक ब्रेक के बाद इस प्रशासनिक पद में घर बैठे, मैं खुद गारंटी लेता हूं, घर बैठे आप सर्वश्रेष्ठ ना केवल प्री बल्कि प्री प्लस मेंस पहले ही दिन से आप इसकी कक्षाएं प्राप्त करना शुरू करेंगे। 4 जनवरी से हम लोग इसकी पूरी योजना के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक एक अच्छे ब्रेक के साथ यूपी टेट पर एकाग्रता बनाए रखिए। और इस बैच की रूपरेखा ये होगी कि जब तक जो लोग यूपी टेट का जैसे परीक्षा देने में व्यस्त हैं यूपी टेट की, तब तक हम इस बैच को इस तरीके से रन करेंगे कि यूपी टेट की परीक्षा देने वालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि 8000 छात्र छात्राएं स्वयं हमसे जुड़े हुए हैं यूपी टेट के बैच में। तो आप सभी लोगों की जो है गतिविधियों का जो आगे आप लोगों को परफॉर्म करना है उसको पूरा सम्मान करते हुए टारगेट बिथालो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेगा। एक और मैं जानकारी दे दूं, जैसे ही नेट की सेवा सुचारू होती है हम लोग पूरी तरह से यूपी टेट के सभी छात्र छात्राओं के साथ फिर से जुड़ जाएंगे, और वही अथक प्रयास हम तब तक करेंगे जब तक कि जो है आपकी परीक्षा जो है नजदीक नहीं आती। आपको जब भी समय मिल रहा है आप धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ना लिखना शुरू करें, ताकि सिलेबस से या पाठ्यक्रम से आपकी कनेक्टिविटी जो है दूर ना हो। आने वाले नववर्ष 2020 की आप सभी लोगों को अनंत और आकाश वर्ष शुभकामनाएं। मैं और टारगेट बिथालो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हम सभी प्रार्थना करते हैं कि 2020 आपके भविष्य के लिए एक स्वर्णिम वर्ष के रूप में आए, और 2020 को आप अपने भविष्य के स्वर्णिम वर्ष के रूप में लिखें। टारगेट बिथालो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट मैं और हमारी पूरी टीम शिक्षकों की टीम का जो भी सहयोग आपके स्वर्णिम अवसर में स्वर्णिम भविष्य में होगा, हम लोग जो है इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे कि 2020 आपके लिए एक स्वर्णिम वर्ष बने, और हमारे उस पर जो भी प्रयास हो हम 100% अपने प्रयासों के साथ उसमें शामिल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। 3 या 4 जनवरी से हम लोग सभी लोग पुनः आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक लगातार अपडेट्स पर बने रहिए। जैसे भी आपकी परीक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट्स प्राप्त होते हैं हम आपको बताएंगे। एक और जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि मैंने पहले इससे पहले 2 वीडियो डाले थे खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, तो बीटीसी वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। कई मेरे फेसबुक पर आप में से कई लोगों के मैसेज आए और फेसबुक अकाउंट पर कि सर क्या है, उसके बाद आप तो बीटीसी वाले इसमें जो है अभी तक जो जानकारी है कि बीटीसी वालों को कमीशन ने एक स्पष्टीकरण दिया है नोटिस, वो इसमें जो है शामिल नहीं किए गए हैं। बीएड प्लस एलटी डिप्लोमा वाले इसमें शामिल किए गए हैं, जिसने बीए में शिक्षा शास्त्र रखा है वो भी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं किसी भी प्रकार से। तो बीएड वालों के लिए स्वर्णिम वैकेंसी है, बीएड वालों के लिए स्वर्णिम वर्ष है, और ये एक प्रशासनिक पद है जो लोक सेवा आयोग ने निकाला है। आप अभी तक अध्यापक बनने का प्रयास कर रहे हैं, अब आप अध्यापक तो बनिए ही, लेकिन आप अध्यापकों के साहब बनिए, बीईओ बनिए। तो संस्थान पूरी तरह उसी विश्वास के साथ तैयार है, कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चलता हूं। किसी भी बीईओ की वैकेंसी से संबंधित, खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित, यूपी टेट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्क्रॉलिंग में जो नंबर जा रहे हैं आप उन नंबर्स पर लगातार फोन करके, नंबर उनको खुले हुए हैं 9 से 9 बजे तक, इन नंबर्स पर आप लगातार फोन करके इनकी जानकारियां हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में हम लोग लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नव वर्ष की अनंत और आकाश वर्ष शुभकामनाएं पहले से ही आप सभी लोगों पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।